नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कुल्ली टीवी परिवार की तरफ से दीपो उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपके लिए ये दिवाली सुख समृद्धि और बहुत सारा धन लेकर आए और बहुत सारी खुशियां भगवान आपकी झोली में डाले। दीपो उत्सव के तीसरे दिन यानी कि धनतेरस के दिन, क्या है धनतेरस, क्यों मनाया जाता है धनतेरस, क्या महत्व है धनतेरस का, इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले ये धनतेरस है क्या? देखिए, धनतेरस हमारे धार्मिक वे से धन त्रयोदशी कहलाती है जी। जो शब्द त्रयोदशी है वो भगवान शंकर को समर्पित है, यानी कि तेरहवीं तिथि जिसे त्रयोदशी कहते हैं। अब इसका संबंध धन से है जी। धन के दो मायने निकाले जाते हैं हिंदुज्म में। पहला, एक तो धन जी, दूसरा धनवंतरी। धनवंतरी यानी कि दैवज्ञ जी, वेद, देवों के वेद जो वैद हैं, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं जी, ये उनकी त्रयोदशी है। समुद्र मंथन के दिन जो है धनवंतरी आए थे, तो वो इसी दिन जो है धनवंतरी ने धरती पर अपना कदम रखा था, और वो साथ में लोटा लेके आए थे, कलश लेके आए थे जिसमें अमृत था जी। और धनवंतरी जो देव वैद हैं, ये उनका दिन है। और इस दिन जो है मूलतः कुबेर की पूजा होती है सिक्कों के रूप में जी। इसी दिन और जितने भी बर्तन हैं उसके रूप में हमारे आयुर्वेद आचार्य, आयुर्वेद के जनक और मूलतः आयुर्वेद का सोल जो है उनकी उपासना होती है, और वो है देव धनवंतरी जी। पंडित जी, जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा था कि जो घर में बुजुर्ग थे वो बोलते थे कि इस दिन कोई ना कोई स्पेशल चीज जरूर खरीदनी चाहिए, वो कोई बर्तन भी हो सकता है, घर का कोई भी जरूरी सामान हो सकता है। ऐसा क्यों, मतलब इसको धनतेरस को इसके साथ क्यों जोड़ा? देखिए, ये हमारे साल का सबसे बड़ा अभूज मुहूर्त है। इस दिन ली हुई चीज जी, वो आप जो भी लेते हैं अपने राशि अनुसार जो आपके लिए शुभ है जी, उसका प्रभाव सहस्त्र गुना यानी कि 100 गुना ज्यादा होता है, और वो दीर्घायु होती है यानी कि उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। इस दिन पर मूलतः लोग मेटल की चीजें ज्यादा लेते हैं जी। और इस दिन मेटल में अमृत बसता है, और इस दिन लोग बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें घर में झालरें या सुंदरता से संबंधित बहुत सामान लेते हैं जी। और इस दिन स्नान का बहुत महत्व है जी। तेल कौन सा यूज करना चाहिए उसका भी महत्व है, और इस दिन तेल लगा करके स्नान किया जाता है। कौन सा तेल यहाँ पे? बहुत अलग अलग तेल है जी, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्नान हैं। कई लोग तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, कई सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं जी, कोई अलसी के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो तेल अलग अलग है, उनके प्रयोग अलग अलग है जी। और इस दिन मूलतः बर्तन और सिक्के, इनका बहुत स्पेसिफिक तरीके से लेना है। अब कई लोग जो सोने के सिक्के अफोर्ड नहीं करते उसके कंपैरिजन में पीतल के सिक्के लेते हैं या पीतल के बर्तन लेते हैं जी। कुछ लोग चांदी भी अफोर्ड नहीं कर पाते जी, तो स्टील ले लेते हैं। निर्भर करता है आपकी राशि क्या कहती है जी। वही आपने अभी बात की राशियों की, तो मैं जानना चाहूंगी कि राशि के अनुसार इस धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए। बिल्कुल, मैं मेष राशि से शुरुआत करता हूँ जी। मेष राशि वालों को इस धन त्रयोदशी पे पीतल का कलश खरीदना चाहिए जी। वृष राशि वालों को इस धनतेरस पर स्टील का कलश खरीदना चाहिए। इसी तरीके से जो मिथुन राशि वाले हैं उनको कांसे का कलश खरीदना चाहिए। जो कर्क राशि वाले हैं उनको चांदी का सिक्का लेना चाहिए जी। चांदी का श्री यंत्र का सिक्का जी। जो सिंह राशि वाले हैं उनको तांबे का कलश लेना चाहिए। जो कन्या राशि वाले हैं उनको कांसे के सिक्के या कांसे का दिया कुछ इस तरीके से लेना चाहिए। तुला राशि वालों को जो है वो कांसे से संबंधित कोई सिक्के ले सकते हैं वो, या जो सिक्के हों वो पंचधातु के सिक्के हो सकते हैं, पंचधातु का मेटल का कलश हो सकता है। जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको चांदी का कोई दीपक खरीदना चाहिए जी, जिससे वो उनकी खूबसूरती बढ़ा सके। जितने भी धनु राशि वाले हैं उनको तांबे से संबंधित कुछ बेहतर लेना चाहिए, जैसे तांबे का वो पीतल का कलश ले सकते हैं। कुंभ राशि है
उनको स्टील का कलश या स्टील का दीपक लेना चाहिए। और आखिरी जो हमारी मीन राशि है उसको पीतल की ऐसी कटोरी लेनी चाहिए जिसके अंदर वो केसर रख सके, तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो पंडित जी आप स्पेशल टिप कौन सी देना चाहेंगे हमें? देखिए ये स्पेशल टिप हर किसी के लिए है कि उस दिन कोई भी एक नया बर्तन खरीदें और मूलतः एक ऐसा बर्तन खरीदें जो आप पूरे साल भर यूज कर सकें। जी। कोई ऐसा बर्तन ना खरीदें जिसको आप रखे रहें और उसको फिर वापस देखें ना। बर्तन ऐसा लें जो आपके यूज का हो। तो इस दिन तांबे का एक अच्छा सा लोटा लें जी। और उसके अंदर कणक भरे, कणक यानी कि गेहूं भरकर आप उसके मुंह पर लाल कपड़ा बांधकर उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। दीपोत्सव कंप्लीट होने के बाद आप उस गेहूं को भी यूज करें और साथ ब साथ के अंदर आप उस तांबे के बर्तन को पीने के पानी में या किसी भी चीज में यूज करें। जी धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी, फेसबुक पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।